इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो आईफोन का कैमरा होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। वैसे दोस्तों आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे आईफोन के कैमरा से, जो कि काफी कमाल का होता है। तो दोस्तों ऐसे में हमारे जहन में एक सवाल आया कि सारी कंपनियां आईफोन के कैमरे को ही अपने फोन में क्यों नहीं लगा लेती। जैसा कि आईफोन का कैमरा होता है 12 मेगापिक्सल का, वैसा ही कैमरा अपने फोन में हूबहू फिट कर दे। तो वैसे में दोस्तों हम लोगों को भी आईफोन जैसी कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी अपने रेडमी के फोन में, रियलमी के फोन में, जो कि काफी ज्यादा सस्ता होता है। हमको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा आईफोन को खरीदने में, हमको रेडमी और रियलमी के फोन से ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये आइडिया काफी अच्छा है, खराब नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर दोस्तों पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है तो कैसे नहीं पॉसिबल है? तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल कंसेप्ट पर वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए एक अंदर की बात बताते हैं। जो आईफोन सेंसर होता है ना, वो भी सोनी से लेता है, और गूगल भी सोनी से ही अपना कैमरा सेंसर खरीदता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि गूगल के पूरे कैमरा का सेंसर सोनी का ही है, दूसरे कंपनी का भी सेंसर है, लेकिन ज्यादातर सोनी का सेंसर है। गूगल और एप्पल ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी और भी कंपनी है जो सोनी का कैमरा सेंसर यूज करती है, जैसे कि रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, यहाँ तक कि सैमसंग भी सोनी का कैमरा सेंसर यूज करता है। तो दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों अपना कैमरा सेंसर सोनी से लेता है, लेकिन दोनों के कैमरा क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफर क्यों करता है? तो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी में इतना फर्क क्यों पड़ता है? अगर दोस्तों आप लोग ये कहे कि सारा पिक्चर क्वालिटी कैमरा सेंसर पे ही डिपेंड करता है, तो आप लोग पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, कैमरा सेंसर मैटर करता है पिक्चर क्वालिटी में, लेकिन उतना नहीं जितना AI मैटर करता है, और उसका जो इनबिल्ट कैमरा ऐप है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से वो अपने कैमरा में AI को यूज किया गया वो काफी ज्यादा मैटर करता है। वैसे दोस्तों आप जो नॉर्मली फोटो क्लिक करते हो ना, उसमें एक रोल होता है सेंसर का, एक रोल होता है लेंस का, और दोस्तों जो मेन रोल होता है ना वो होता है कैमरा ऐप का। इतना ही नहीं दोस्तों, कैमरा ऐप के साथ साथ उस फोटो को कैसे प्रोसेस करता है, यानी उसके प्रोसेसर का भी मेन रोल होता है एक फोटो क्लिक करने में, यानी प्रोसेसर कितना ज्यादा स्मार्ट है, प्रोसेसर कितना ज्यादा एफर्ट लगाता है फोटो को प्रोसेस करने में। आधा खेल तो वहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों, कि आपका जो हार्डवेयर है वो फोटो खींच लेता है। आधा खेल वहाँ पर जाकर खत्म होता है कि आपका जो फोन है ना वो किस तरीके से उस फोटो को प्रोसेस करता है, यानी आप जो फोटो क्लिक किए उस फोटो को किस तरीके से वो प्रोसेस कर रहा है। और दोस्तों प्रोसेस ही मेन काम होता है, जो आपके फोटो को ठीक ठाक करके आप तक दिखाए। और दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही कम समय में होता है। जैसे आप फोटो क्लिक किए और आपका फोटो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, फोटो क्लिक करने के बाद से आपके डिस्प्ले पर दिखने तक का समय कितना होता है? वही माइक्रो सेकंड होता होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी माइक्रो सेकंड में ये प्रोसेस होता है। इतना ज्यादा प्रोसेस इसी माइक्रो सेकंड में कर लेता है, यानी जितना स्मार्ट प्रोसेसर होता है उतना ज्यादा अच्छा इमेज क्वालिटी देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आईफोन का जो प्रोसेसर होता है वो कितना ज्यादा स्मार्ट होता है, इसलिए दोस्तों इसका जो वीडियो क्वालिटी होता है और पिक्चर क्वालिटी वो कितना ज्यादा अच्छा होता है कम्पेयर टू सेम कैमरा, सेम लेंस, सेम सेंसर दूसरे फोन में लगाया जाए, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी आईफोन में देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा, जो गूगल के पिक्सल सीरीज होते हैं वो हमेशा लीड करते आ रहे हैं अपने पिक्चर क्वालिटी में और वीडियो क्वालिटी में। वो इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि इसका सब कुछ काफी ज्यादा परफेक्ट बनाया जाता है। उसका हार्डवेयर भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, उसका जो कैमरा ऐप है वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, उसका सॉफ्टवेयर भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो खुद का ही होता है, लेंस वगैरह या सेंसर वगैरह दूसरे से लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसको जो सेट करते हैं, इसका जो अलाइनमेंट है, किस तरीके से कितना अच्छा कैमरा क्वालिटी आएगा, किस एंगल पर लेंस को लगाया जाए ताकि कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर हो, वो सारा कुछ गूगल के इंजीनियर करते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वैसे दोस्तों नोकिया को देखे तो वो जीएस लेंस यूज करते हैं, वहीं पर दोस्तों वावे को फोन को देखा तो लाइका का लेंस यूज करते हैं। आईफोन के जो लेंस है वो ताइवान में बनते हैं, जो भी उनके मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं वो सारे ताइवान में बनते हैं। सारी बातें यहाँ पर आकर सिमट जाती है कि आपके कैमरा में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैमरा का सेंसर हो गया, कैमरा ऐप हो गया जो अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, ये सारी चीजें आपस में काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो दोस्तों जो इमेज क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा बेटर नजर आती है। अगर दोस्तों आप आईफोन के कैमरा को किसी भी फोन में सेट कर दे तो पिक्चर क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। आपको यह वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना अच्छा नहीं होता है। अगर दोस्तों आपको इससे भी नहीं समझ में आया तो आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अभी दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का चलन चला हुआ, जो बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, वो सस्ते से सस्ते फोन में देखने को मिल जाएगा। इवन आपको 5 से 6 हजार वाले फोन में भी बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसे अलग अलग कंपनी अपने भाषा में पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, बोके मोड कहते हैं, ब्लर मोड कहते हैं, सारी कंपनी अलग अलग नाम से बुलाती है लेकिन बात सेम है। वैसे दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का जो मेन प्रॉब्लम होता है ना वो एजेस पे होता है, वो जो एजेस है ना उसको अच्छे तरीके से ब्लर नहीं कर पाता, वो थोड़ा कटा कटा दिखता है। अगर आप दूसरे कंपनी से पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करते हो तो प्रॉब्लम उस फोन की नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम उस हार्डवेयर की भी नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम उस फोन में जो कैमरा ऐप है ना उसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो कैमरा ऐप है ना वो उसमें इनबिल्ट AI को उस तरीके से काम नहीं करवा पाता है जिस तरीके से काम करवाना चाहिए, इसलिए वो कटा कटा या उतना ज्यादा ब्लर नहीं कर पाता है एजेस पे। अगर दोस्तों वही फोटो आप आईफोन से क्लिक करते हैं तो आपके बटन दबाने से पहले आपका 8 फोटो ले चुका होता है,
पता है आपको ये बात, यानी आपके बटन दबाने से पहले आपका आर्ट फोटो ले चुका होता है और वो कंटिन्यूसली ले रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो आर्ट फोटो ले लिया और बंद कर दिया और वो कंटिन्यूसली फोटो क्लिक कर रहा होता है। और वो ऐसा इसलिए करता है कि उस फोटो के एक्सपोजर को, उस फोटो के सैचुरेशन को सब कुछ परफेक्ट करके आपके सामने दे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर रहे हैं और फोटो क्लिक करने से पहले आर्ट फोटो ले चुका होता है और उन्हीं आर्ट फोटो को कंबाइंड करके क्विकली आपके सामने परफेक्ट फोटो लाकर रख देता है। और दोस्तों ये है स्मार्ट सॉफ्टवेयर और AI होने का नतीजा। इसलिए दोस्तों इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, यानी आईफोन की पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। सेम दोस्तों पिक्सल फोन की भी पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। और दोस्तों यही एक बड़ी वजह है जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा एनहांस मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि आईफोन का कैमरा क्वालिटी क्यों अच्छा होता है। बाकी अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पीएसटीएल द एंड गुड बाय।